चारा घोटाला। लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट से मिली 6 हफ्ते की जमानत। मुंबई पुलिस के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय ने की आत्महत्या, ब्लड कैंसर से थे पीड़ित। नहीं होगी अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में अब कोई दखल नहीं देगा। पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के 2 दिवसीय यात्रा पर जनकपुर पहुंचकर बोले, सदियों से हमारा नाता। त्रिपुरा सीएम बिप्लब देव ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान, कहा टैगोर ने अंग्रेजों के विरोध में नोबेल पुरस्कार लौटाया था। जस्टिस चेलमेश्वर की चिट्ठी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में होगी कोलेजियम की बैठक। कनाडा के सिख मंत्री से एयरपोर्ट पर पगड़ी उतारने को कहा, मामला बड़ा तो अमेरिका ने मांगी माफी। म्यांमार दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आंग सान सू की से की मुलाकात, 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दंगलगर जायरा वसीम का खुलासा, 4 साल से डिप्रेशन में हूँ, बार बार आता है आत्महत्या करने का ख्याल। आज चेन्नई को अपने घर में चुनौती देंगे राजस्थान रॉयल्स, हर हाल में जीत जरूरी।